मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। दिसंबर महीने के पहले तारीख को मंगलवार प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। आइए आज के मनन के लिए दूसरा कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 12:9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, दूसरी कुरिन्थी, पौलुस की दूसरी कुरिन्थी 12वां अध्याय उसका 9वां वचन। मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। यहां पर हमने प्रभु के वचन को पढ़ा है और हम इस आयत से परिचित हैं, और कई बार हम अपने बच्चों को ये आयत सिखाते भी हैं, क्योंकि इस आयत से, इस वायदे से हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। आज हम इस वचन के दूसरे भाग को ध्यान दे रहे हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं बड़ी आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इधर हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार अपने दास पौलुस को अपने वचन के द्वारा तसल्ली दे रहा है, क्योंकि पौलुस ने प्रार्थना की थी कि उसके जीवन से ये जो कांटा है वो निकल जाए, क्योंकि पौलुस के जीवन में एक कांटा, वो कहता है मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया है, 7वें वचन में, मेरे जिस्म में कांटा चुबोया गया है। यह साधारण एक अनुभव नहीं है, और पौलुस कहता है कि ये परमेश्वर खुद ही मेरे जीवन से निकाले, और ये शैतान का दूत है जो उसे घुसे मारता है, और ये पौलुस की किसी गलती के कारण हुआ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दिया है, और इसलिए पौलुस जानता है कि ये केवल परमेश्वर ही अलग कर सकता। अगर ये साधारण बात होती तो पौलुस ने खुशी से इसको सह लेना था, लेकिन हम देखते हैं पौलुस के जीवन में सुसमाचार के कारण कितने खुशी से पौलुस ने कष्टों को सहा। वो कभी बुड़बुड़ाया नहीं, और वो बड़े आनंद से उनको सहता रहा, और वो बड़े दिलेरी से कहता है रोमी 8:39 में, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। लेकिन यहां पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में ये कांटा इसलिए दिया है ताकि मेरे अंदर वो घमंड ना आ जाए। 12:9 हम लोग जब पढ़ते हैं, मेरा प्रभु का दास कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 7 में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाओ, मेरा शरीर में एक कांटा चुबाया गया है। सो प्रकाशनों की बहुतायत के कारण घमंड ना आने के लिए परमेश्वर ने यह अनुभव उसे दिया है, क्योंकि घमंड आने का पूरा अवसर है। यह हमारे जीवन में कितना सच है, जब हम मसीह के क्रूस के पास आए, हम पाप के बोझ से लदे हुए थे, और सुसमाचार ने हमें बताया कि हम किसी लायक नहीं, केवल परमेश्वर के सजा के लिए ही योग्य हैं। हमने अपने पापों को माना, हमें नया सृष्टि बनाया, और जैसे जैसे हम अपने मुसाफिर सफर में आगे बढ़ते गए और परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करते गए, तो हमने ध्यान देना है कि अगर हम ध्यान से ना चले तो अवसर है कि हमारे अंदर घमंड आ जाए। शैतान का सबसे खतरनाक हथियार ये घमंड है, जो हमें कभी भी गिरा सकता है। इधर पौलुस का
जीवन में जो कांटा था वो कौन सा है उसका विवरण नहीं दिया है, लेकिन इतना है कि परमेश्वर ने खुद दिया है और परमेश्वर की आत्मा ने वो कांटे के बारे में ज्यादा विस्तार में विवरण देने का दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक के जीवन में ये कांटे का अनुभव अलग अलग है और हम परस्पर में एक दूसरे के साथ तुलना ना करें। इधर हम देखते हैं पौलुस के लिए ये एक दर्द का अनुभव था, इसलिए वो प्रार्थना किया कि उसके जीवन से ये बात को निकाल दें, लेकिन परमेश्वर ने जवाब में हां नहीं ना आया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। और हम भी अपने जीवन में जब परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार जब जवाब नहीं देता तो हमें भी अच्छा नहीं लगता और हमारे जीवन में बड़ा संघर्ष होता है। हम चाहते हैं हम जो भी प्रार्थना करें प्रभु उसका हाँ या आमीन में जवाब दे, और जब तक हाँ या आमीन नहीं सुनाई देती तब तक हम प्रभु को अपने प्रार्थनाओं से तंग करते हैं। इधर पौलुस को देखें, वो प्रभु के सामने 3 बार विनती किया लेकिन जब उसके इच्छा के अनुसार का जवाब नहीं मिला तो पौलुस क्या कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। सो आइए हमारे कानों को और दिलों को हम खुले रखें ताकि परमेश्वर के सही जवाब को पाएं और उसमें आनंदित हो जाएं। इधर पौलुस को ये कांटा बहुत कुछ सिखा रहा है, अगर कांटा नहीं होता तो कितनी बातें ना सीखता। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह को जो उसने हमारे ऊपर दिया है उसको हम अनुभव करें। शारीरिक छुटकारा से बढ़कर आत्मिक आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में अनुभव कराना चाहता है। हमारे जीवन में जो भी बलहीनता है परमेश्वर का अनुग्रह उसके लिए काफी है और बहुतायत में वो अनुग्रह दिया हुआ है। और इधर हम देखते हैं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। अगर हम अपने आप में बलवंत हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितने कमजोर होते हैं उतना परमेश्वर का सामर्थ हमें बलवंत होता है, सिद्ध होता है। और जितना हम परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ को अनुभव करते हैं उतना मसीह हमें प्रकट होता है। हमने हमेशा याद रखना है कि जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ रहे हैं हमारा शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ अनंतकालीन है। हमारा ये दुनिया का डेरा धीरे धीरे जब धूल में मिलने के लिए तैयार हो रहा है, परमेश्वर का सामर्थ हमें बना हुआ है। जब पौलुस को ये बातें समझ में आई तो पौलुस आगे कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता में घमंड करूंगा क्योंकि कि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती रहे। अब एक सवाल, क्या मैं इस कांटे को खुशी से स्वीकार करूंगा या बुड़बुड़ाते हुए अब और कोई चारा नहीं बोलते हुए दुखी होकर आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर का सामर्थ मुझ में प्रकट होने के लिए क्या मैं इस कांटे को आनंद से स्वीकार करूंगा। हम अपने आप को जितना नम्र करते हैं उतना प्रभु में बलवंत होते हैं। कोई भी चीज हमें जो व्यक्ति मसीह में छुपा है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर मेरे प्रभु ने एक कांटों का मुकुट उठाया, निंदा बदनामी सहा, लोगों ने उसको यहूदियों का राजा बोलकर मजाक किया, तो आइए हम भी आनंद के साथ परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करते हुए जो भी कांटा है उसको आनंद से अनुभव करें ताकि मसीह हम में प्रकट हो सके। आइए मसीह के लिए हम इन अनुभवों को सहें। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए, आपके वायदे के लिए। प्रभु हमने अपना जीवन आपके हाथ में सौंपा और जो कुछ होता है प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हमारी भलाई के लिए, प्रभु आप में बलवंत होने के लिए, प्रभु अपनी निर्बलता में आनंद करने के लिए आप मदद करें तभी हम बलवंत हो सकेंगे। प्रभु
आपकी सामर्थ हम में छाया करती रहे। उसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु पर भरोसा करते हुए आनंद के साथ, खुशी के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलें। प्रभु जो भी हमें अनुभव दे रहा हमें बनाने के लिए है, बलवंत करने के लिए है। आइए और निराशाओं को दूर फेंकते हुए आनंद से आगे बढ़े। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारा नाथा।